और भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक अमर अग्रवाल धमतरी जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान धमतरी और कुरूद विधानसभा में किसानों, मजदूरों, व्यवसायी वर्ग समेत अनेक लोगों से घोषणा पत्र पर उन्होंने चर्चा की। साथ ही रुद्री रोड स्थित गायत्री उद्यानिकी महाविद्यालय में अमर अग्रवाल ने ग्रामीण चिकित्सकों, इलेक्ट्रॉनिक होम्योपैथिक चिकित्सकों, पर्व सैनिकों और अधिवक्ता संघ के सदस्यों, पेंशनर संघ के प्रतिनिधि से विस्तार से चर्चा की और घोषणा पत्र के संबंध में सुझाव भी प्राप्त किए। अमर अग्रवाल ने जिला प्रवास का उद्देश्य बताते हुए कहा कि बीजेपी 2023 के चुनाव के लिए बनने वाले घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गों के हितों का समावेश होगा। छत्तीसगढ़ियों के मन की बात की ये घोषणा पत्र में स्थान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि बीजेपी उन्हीं योजनाओं को घोषणा पत्र में शामिल करेगी जो जनता से जुड़ी होंगी, जन कल्याणकारी होंगी। कर सकते इस सरकार के ऊपर वो भी आरोप है कि शराबबंदी का वादा किया, संविधा को नियतमितीकरण का वादा किया। तो हम जो भी करेंगे वो पूरा कर सकें। तो आज तो ये अभी तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, इसमें हम बैठेंगे और एक अनुभव के आधार पे प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सत्यता पे आधारित घोषणा पत्र करेंगे। और इसीलिए मुझे आज धमतरी मेरा आगमन हुआ और मुझे प्रसन्नता है कि सारे वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखते हुए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, उसमें से एक आप भी हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और मेरा विषय यही है। अगर आपके अब कोई प्रश्न हो तो आप साधारण मंत्री थे।